स्वागत है दोस्तों, आप लोगों का दिल से शुक्रिया। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था आप लोग वीडियो पर इतना प्यार दोगे। ये उनका पॉइंट ये है ना कि इंडियन आर्मी ने हमारी फैमिलीज को मारा है। हाँ ठीक है, तो वो कहते हैं मुझको बात है कि जो सिविलियंस को इन्होंने मारा है ना, जैसे मोरेटी वाला था, सिविलियंस को मारेंगे तो फिर तो उनको जवाब देना पड़ेगा। क्यों सेना के लोग इंसान नहीं होते हैं? इसका एजेंडा ये है कि हमारी वीर सेना पे हमला सही है। बंडी की औलाद आधर चोर, आप लोग क्यों बढ़ावा देते हो और चैनलों पर जाएं? कम से कम वो लोग हमारे सामने नाच गा के और तारीफ करके पैसे कमा रहे हैं। भोपाली के लोगों की आड़ में गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा है माधवजात। तेरे बाप की हमने कई बार मारी है। कश्मीर के आतंकियों को फैमिली बोल रहा है, हमारी सेना उन्हें 72 हूरों के पास भेज रही है। अब तू यूथिया अपना एजेंडा ज्यादा दिन तक नहीं चला पाएगा। नहीं पता अब ये इधर क्या है। अब मैं कहूँ जी तंकी इंडिया में पाल रहे हैं। हाँ। अब ये मैं कहना शुरू कर दूँ, ये नहीं पता चलता। ओसामा बिन लादेन का भी ऐसे ही केस है। हाँ। मतलब उसका तो केस बहुत ही इंटरनेशनल है, लेकिन मैं वो छुपने की और एक वो बता रहा हूँ कि वो नहीं आप बता सकते। बिल्कुल ऐसी ये तो ये निकला होगा बंदा, ये जो ऑपरेशन हो रहा है उस दौरान जो इन्वेस्टिगेशन हुई है उस दौरान इसका पता चला होगा। बिल्कुल ठीक है कि ये इस टाइप का बंदा एक दिल्ली में भी कोई रह रहा है जो 10 साल से रह रहा है। वाह वाह यूथिया, ISI नंबर 1 एजेंसी अपने दामाद को डरपोक सेना कैंप के बाजू में रख रही थी और यूथिया चरस मार कर हवाई बातें कर रहा है। अपने भिखारी देश के अलावा दूसरे देशों की रिपोर्ट पढ़ ले या डिस्कवरी हिस्ट्री टीवी की डॉक्यूमेंट्री देख ले और ये दिल्ली वाली घटना से कंपैरिजन मत कर। वो स्लिप सेल वाला पाकिस्तानी आतंकवादी है, ओसामा इंसानियत का सबसे बड़ा आतंकवादी है। तू खुद भी उनमें से एक है जो एजेंडा प्रोपेगेंडा चलाता है। उसमें लग जाती है गोलियां, कहीं पे लग जाती है, उसमें डेथ भी हो जाती है। तो ये है कि अब उसको वो करना, उसको ऐसे पोर्ट्रे करना कि यार यही सिर्फ चल रहा है, सिर्फ उसी साइड से जो है लोगों को मार रहे हैं, बल्कि जो ये बीच में आतंकी जो ग्रुप्स है ये जो ये फायदा उठा के उधर जो है ये आतंकवाद फैलाते हैं, ठीक है, टेररिज्म फैला रहे हैं, इनको फायदा हो रहा है। छोटी यूथिया अपने भाई का माल फूंक लिया है। ये जो आतंकवादी है उनको हथियार और ट्रेनिंग कौन देता है? यूनाइटेड नेशंस के नॉमिनेट आतंकी कहाँ घूमते हैं? अगर वो जेल में है तो उनके बच्चे कैसे पैदा होते हैं? मोस्टली सारे आतंकी तुम्हारे देश के ही है। इनको फायदा हो रहा है और एक सिविलियन को नहीं मारना चाहिए, ठीक है। आपकी लड़ाई है, इंडियन आर्मी से लड़ाई है आपका। आप ये समझते हो कि जी हमारे फैमिलीज को मारा है, हमारे किसी बच्चे को मारा है, जो भी व्हाट एवर योर थिंकिंग इज, मुझे उसको नहीं पता कि क्या उस उधर कॉम्प्लेक्स है ना यार ये मटेरियल सारा। तो आप फौज से ही भाई लड़ो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ लड़ो, आपका आप जो सिविलियन को मार रही है बिल्कुल गलत है। ये बिल्कुल गलत है क्योंकि इंडियन आर्मी ऑपरेशन कर रही है, वो तो एक मार रही होगी अपने आतंकवादी को, ठीक है, जो ये इस आतंकी है और इनको वो उस पर ऑपरेशन कर रही होगी, ठीक है, आप उसका उसमें आपकी फैमिली आ रही है, जो चीज आ रही है आप उस चीज पे ऑपरेशन कर रहे हो। लेकिन एक बंदा है जो बाहर रेडी लगा के बैठा है, ठीक है, वो हिंदू है, सिख है, वो जो भी है, आप उस पे क्यों अटैक कर रहे हो यार? ये बड़ी गलत है। ऐसे लोगों को सख्त सजा और दूसरी प्रोटेस्ट पुरअमन करो, आप करो अपनी बात करो, ठीक है, पुरअमन तरीके से उसको करो। ये कहीं नहीं है कि गने लेकर आपने कोई किसी को मारना शुरू कर देना है, ये भाई हमारा दीन नहीं करता। आपने कौन सा दीन देखा है, उसकी क्या इंटरप्रिटेशन ले ली है, ये मैं इस पे कोई बात नहीं कर सकता। आप लोगों को इस होसड़ी के और कितने सबूत चाहिए? खुलेआम हमारे वीर सैनिकों को मारने की बात कर रहा है और उसमें भी अपने धर्म को बीच में ला रहा है। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी और ये रोज ये मैसेज हमारी सेना को मारने की बात करेगा। हम लोगों में से कितने लोग इसकी बातों को सामान्य तरीके से लेते हैं? अगर इस तरीके आतंकी विचार वाले लोगों से हमारे देश लोग अमन की आशा की बातें करते हैं तो क्या है ये फैसला आप तय करें। भारत माता की जय। जय हिंद।